उत्तर भारत में गंगा और यमुना के बीच का इलाका कहलाता है दोआब, आब यानी पानी, और दोआब यानी दो नदियों के बीच का इलाका। माना जाता है कि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं नष्ट हुई तो हमारे पूर्वज इसी इलाके में आकर बसे। बढ़िया मौसम, खूब सारी धूप और यमुना और गंगा का पानी, तराई का ये इलाका किसानी के लिए एकदम मुफीद जगह थी। लेकिन नदियाँ फिर नदियाँ हैं, किसी साल पानी इतना आए कि खेत का खेत बहा ले जाएं, तो कभी इतना कि दो बूंद के लिए तरसा दे। अधिकतर के लिए ये किस्मत है, ऊपर वाले की मर्जी के आगे क्या ही किया जा सकता है। फिर कुछ 170 साल पहले एक आदमी ने गंगा के असीम प्रवाह पर लगाम लगाने का बीड़ा उठाया ताकि दोआब को साल भर पानी मिल सके। इसके नतीजे में हमें मिली गंगा नहर। हरिद्वार से शुरू होने वाली ये नहर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद और फतेहपुर आदि जिलों की लगभग 7 लाख हेक्टेयर जमीन तक पानी पहुँचाती है। और इस काम का श्रेय जाता है एक शख्स को जिसका नाम था सर प्रॉबी थॉमस कॉटली, एक अंग्रेज इंजीनियर जिसने बिना आधुनिक यंत्रों के लगभग 500 किलोमीटर लंबी नहर बना डाली। इस काम में कॉटली के सामने काफ़ी सारी दिक्कतें आईं, उन्हें अपनी हुकूमत से लड़ना पड़ा, पैसे की दिक्कत थी, आधुनिक उपकरण नहीं थे और इन सबसे बड़ी दिक्कत थी स्थानीय हिंदू जनता जो उस नदी पर एक बांध बनाने के लिए राजी नहीं थी, जो उनके लिए सिर्फ एक नदी नहीं थी बल्कि उनकी आस्था का केंद्र थी। गंगा किनाल बनाने के दौरान ही भारत का पहला इंजीनियरिंग संस्थान बना और चली भारत की पहली रेलगाड़ी भी। कैसे हुआ ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। उत्तर भारत के लिए गंगा और यमुना ये दो नदियां जीवनदायिनी हैं। साल 1837 की बात है, उस साल उत्तर भारत में मानसून समय से नहीं आया जिसके चलते दोनों नदियों में पानी कम हो गया। ऐसा सूखा पड़ा कि 8 लाख जनों को लील गया, लोग घरवार छोड़कर जाने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासनकाल में पहली बार ऐसा काल देखा, ऐसा बताते हैं। लोगों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी जिसके चलते ब्रिटिश हुकूमत को लगभग 1 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ भू राजस्व में, लैंड टैक्सेस। जॉर्ज ऑकलैंड तब भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने अपने मातहतों को इस समस्या का हल ढूंढने का निर्देश दिया। एक तरीका था जिस पर सालों से विचार चल रहा था, गंगा पर नहर का निर्माण करना ताकि कृत्रिम तरीके से पूरे उत्तर भारत में पहुंचाया जाए, नहर से पानी खींचना था नदी का। एक ब्रिटिश इंजीनियर प्रॉबी थॉमस कॉटली को इस काम के लिए सर्वे का जिम्मा मिला। 1839 में कॉटली हरिद्वार से सर्वे की शुरुआत करते हैं। 6 महीने तक जंगली रास्तों से चलते हुए गंगा के किनारे सर्वे का काम पूरा करते हैं, जिसके अंत में उन्होंने हरिद्वार से कानपुर तक एक 500 किलोमीटर लंबे कनाल का प्रस्ताव पेश किया। शुरुआत में कॉटली के प्लान को हाथों हाथ लेते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने उन्हें फंड भी दिया। हरिद्वार में कनखल से कॉटली ने खुदाई की शुरुआत की, लेकिन फिर लॉर्ड एलनबरो ने नए गवर्नर का पद संभाला और उन्होंने ये कहते हुए काम रोक दिया कि ये पैसे की बर्बादी है। बहुत कोशिशों के बाद वो कॉटली को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने को तैयार हुए। हालांकि उस समय के हिसाब से रकम बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इससे कहीं ज़्यादा पैसा चाहिए था। फिर 1844 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉम्सन ने एक आइडिया दिया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस नहर के जरिए न केवल सिंचाई का काम होगा बल्कि सामान ले जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रस्ताव का मतलब था गंगा किनाल प्रोजेक्ट अब सिर्फ खर्च ही नहीं कमाई का जरिया भी बन सकता था। थॉमसन ने प्रोजेक्ट की राशि 1 लाख रुपये बढ़ा दी। इस तरह कॉटली का बजट तो बढ़ गया, लेकिन उनके लिए चुनौतियां बढ़ गईं, क्योंकि एक सिंचाई वाली नहर और नाव चलाने वाली नहर में काफ़ी अंतर होता है। नाव चलाने के लिए आपको ढलान और बहाव को जगह जगह पर नियंत्रित करना होता है। कॉटली ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने काम में लगे। उन्होंने आसपास के खानाबदोश लोगों को इस काम के लिए तैयार किया और खुदाई का काम शुरू हुआ। इस बीच 1845 में कॉटली की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिसके चलते उन्हें इंग्लैंड लौटना पड़ा। इंग्लैंड में रहते हुए कॉटली ने ब्रिटेन और इटली में इस्तेमाल लाई गई तकनीकों को सीखा और नई ऊर्जा के साथ वो भारत वापस आए। भारत का राजनीतिक वातावरण भी तब तक उनके लिए मुफीद हो गया था। हेनरी हार्डिंग नए गवर्नर जनरल बन चुके थे। हार्डिंग ने अधिक सर्वे करवाए, खुद प्रोजेक्ट का दौरा किया और अंत में इसके लिए 20 लाख रुपए सालाना की मंजूरी दे दी। हार्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी ने भी इस प्रोजेक्ट का पूरा समर्थन किया और बजट को मंजूरी देते रहे। इस तरह कॉटली के लिए आर्थिक समस्याएं दूर हुई, लेकिन एक बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या भी बाकी थी। नहर में पानी देने के लिए एक बराज बनाए जाने की ज़रूरत थी और ये बराज बनाना था हरिद्वार में हर की पौड़ी के नज़दीक भीमगोड़ा नाम की जगह पर।
स्थान पर मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने अपना पैर मारा था जिससे चट्टान में पानी फूटकर निकला था। कोटली यहीं पर एक बराज बनाना चाहते थे ताकि पानी को इकट्ठा कर नियंत्रित तरीके से नहर में भेजा जा सके, लेकिन हरिद्वार के पंडित पुजारियों ने इस काम में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। हर की पैड़ी, जैसा कि आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म की आस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यही वो जगह है जहां कुंभ के दौरान लाखों लोग स्नान के लिए आते हैं, तब भी आते थे। ऐसे में पंडों का कहना था कि देवी गंगा पर बांध बनाना बहुत बड़ा अपशकुन होगा। कोटली उनसे भिड़े नहीं, बल्कि उस अंग्रेज ने जिस सलीके से धार्मिक भावनाओं को संभालते हुए अपना काम किया, उसकी नज़ीर मिलना दुर्लभ है। कोटली ने प्रस्ताव दिया कि वो बांध में गैप छोड़ देंगे जिससे गंगा निर्बाध रूप से हर की पैड़ी की तरफ बह सकेंगी। इतना ही नहीं, पंडों को खुश करने के लिए उन्होंने हर की पैड़ी पर नए घाट बनाने की पेशकश की। और जब भीमगोड़ा में बैराज बनाने की शुरुआत हुई, कोटली ने गणेश पूजा करवाकर इस काम की शुरुआत की। अब नहर बनाने में आ रही सामाजिक धार्मिक चुनौतियों का भी समाधान हो गया था। अब बारी थी इंजीनियरिंग की दिक्कतों की। हरिद्वार से रुड़की तक नहर का काम बिना ज्यादा रुकावटों के होता गया, लेकिन रुड़की में सोलानी नदी रास्ते में पड़ती थी जिसका बहाव बार बार नहर को काट देता था। इसके लिए कोटली ने एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने सोलानी के ऊपर लगभग आधे किलोमीटर तक एक्वाडक्ट का निर्माण करवाया, यानी इस आधे किलोमीटर में आपको नदी के ऊपर बहती हुई मिलेगी एक कनाल। इंजीनियरिंग का यह अद्भुत नमूना बनाने के लिए 2 साल का वक्त लगा और इस काम को पूरा करने के लिए विशेष रूप से रुड़की में एक शिक्षा संस्थान की शुरुआत हुई, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस कॉलेज में ट्रेन हुए पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स ने नहर के निर्माण में योगदान दिया। सोलानी में बना एक्वाडक्ट भारत का पहला एक्वाडक्ट था। इस एक्वाडक्ट के चलते भारत को अपना पहला स्टीम इंजन भी हासिल हुआ। एक्वाडक्ट, हम बार बार कह रहे हैं, पानी का पुल है, एक ऐसा पुल जो पानी को ढोता है, ऐसा समझ लीजिए। जैसा कि हम बता रहे थे, इसी प्रोजेक्ट में भारत को अपना पहला स्टीम इंजन भी हासिल हुआ। दरअसल प्रोबी थॉमस कोटली ने ईंटें बनाने के लिए जिन भट्टों का निर्माण करवाया था, उनमें खास प्रकार की मिट्टी लगती थी। ये मिट्टी रुड़की के पास एक जगह पीरान कलियर से लाई जाती थी। शुरुआत में मजदूर मिट्टी की ढुलाई करते थे, जिसके चलते काम धीमा चल रहा था। 1851 में कोटली ने तय किया कि इस काम के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इस तरह 22 दिसंबर 1851 को पीरान कलियर से रुड़की तक भारत की पहली मालवाहक रेल चलाई गई, गुड्स ट्रेन। पहली पैसेंजर ट्रेन इसके 2 साल बाद, यानी 1853 में बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी बॉम्बे में। कोटली के प्रयासों के चलते साल 1854 में यह नहर बनकर तैयार हो गई। 8 अप्रैल 1854 को इसे पहली बार खोला गया। तब इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर थी। वहीं इससे 492 किलोमीटर की ब्रांचेस, यानी कि छोटी और नहरें, और 4800 किलोमीटर की छोटी नहरें निकाली गई थी, जिनसे 5000 गांवों तक पानी पहुंचाया गया। तब दुनिया के जाने माने इंजीनियर्स इस नहर को देखने आए। स्टेट्समैन अखबार के एडिटर इयान स्टोन ने इस नहर को देखकर लिखा, दुनिया में इतनी बड़ी नहर बनाने की यह पहली सफल कोशिश है। यह नहर इटली और मिस्र की नहरों को मिलाकर भी उनसे 5 गुना ज़्यादा बड़ी और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया कनाल से 1/3 से भी ज़्यादा लंबी है। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 1.5 करोड़ का खर्च आया था। 1930 तक इस नहर से यातायात का काम किया जाता रहा। उसके बाद जब दूसरे यातायात के साधन सुलभ होते गए, तो इसमें यातायात को बंद किया गया। कोटली ने इसके बाद देहरादून में नहरों का जाल बिछाया, जिसके बाद वो इंग्लैंड लौट गए और इंग्लैंड में कोटली को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। कोटली उन चंद अंग्रेजों में थे जिन्हें स्थानीय जनता से खूब प्यार मिला। उन्हें बाहर से गोरा लेकिन दिल से भारतीय बुलाया गया। साल 1871 में लंदन में ही उनका निधन हो गया। उनके नाम पर IIT रुड़की में एक छात्रावास कोटली भवन का नाम रखा गया। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड खत्म होता है, जिसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।